नंदनवन थाना क्षेत्र में एक युवती ने पानी के टैंक में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक संताजी नगर निवासी प्रियंका नंदराव सराटे बताई गई है। प्रियंका केडीके कॉलेज के समीप स्थित चाय चौपाटी में काम करती थी। पिता नंदराव संताजी नगर में स्थित चिराग आइस फैक्ट्री में काम करते हैं और परिवार वही रहता है। मंगलवार की शाम 6:30 बजे के दौरान वह घर से निकल गए। तब से उसका कुछ अता पता नहीं था। परिजन परेशान हो गए और हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। नंदनवन पुलिस थाने में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। बुधवार की शाम प्रियंका का शव परिसर की पानी की टंकी में दिखाई दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। नंदनवन थाने के सब इंस्पेक्टर सुनील तिड़के अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग की मदद से प्रियंका का शव बाहर निकाला गया। पूछताछ में परिजनों ने बताया कि 3 महीने पहले प्रियंका की खास दोस्त ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तब से वह तनाव में थी। नींद में उसे सहेली दिखाई देती थी, इससे तनाव में आत्महत्या किए जाने का अनुमान है। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दिनांक 14 तारखेला सकाळी आमच्याकडे एक मिसिंग रिपोर्ट होती। 22 वर्षीय युवती, तिचं नाव होतं प्रियंका नंदराव सराटे, आणि ही घरी मिळून येत नाही म्हणून त्यांनी म्हणजे का आदल्या दिवशी रात्री 7:30 पासून ती घरून गेलेली आहे, परंतु कुठे गेली हे तिच्या कुटुंबियांना माहीत नव्हतं, त्यामुळे त्यांनी मिसिंगची तक्रार दिलेली होती। आपण पोलिसांमार्फत आमचं मिसिंग पथक त्वरित कामाला लागलेलं होतं, परंतु रात्री दरम्यान तिचा शोध घेऊन संपूर्ण पेट्रोलिंग व्हॅन हे ते, परंतु काही मिळून आलेली नव्हती। त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी दुपारच्या दरम्यान आम्हाला माहिती मिळाली की वाठोडा पांदन रस्त्याच्या साईडला एक चिराग आईस फॅक्टरी आहे। त्या आईस फॅक्टरीच्या परिसरामध्ये एक पाण्याची टाकी आहे, ज्यामध्ये ते कूलिंग सिस्टीम वगैरे राहतं। तो जवळपास तो 2 माणूस एवढा खोल टाका आहे। त्या टाक्यामध्ये एक बॉडी तरंगती आहे अशा पद्धतीची माहिती मिळाल्याने आम्ही ताबडतोब घटनास्थळी गेलो आणि अग्निशामक दलांच्या मदतीने ती बॉडी आम्ही बाहेर काढली। बाहेर काढली असता त्यांचे नातेवाईक आणि कुटुंबीय ही त्यांनी ती बॉडी ओळखली। त्यावरून ही मुलगी तीच आहे जी मिसिंगमध्ये आमच्याकडे होती आणि त्या आईस फॅक्टरीच्या परिसरातच तिचे वडील हे चौकीदार म्हणून कामाला आहेत। त्यांचं क्वार्टर पण तिथेच आहे आईस फॅक्टरीच्या एका साईडला। मग बॉडी भेटल्यानंतर आम्ही जरा त्यांच्या कुटुंबियांना अधिक चौकशी केली। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।